हर जगह आप बहुमत में। इसलिए अच्छा हो ना हो कोई बुरा तो कर ही नहीं सकता है, इस बात की गारंटी के साथ आप काम कर रहे हैं, जो बहुत मजबूत गारंटी होती है। लेकिन यह बुलंदी स्थायी बनी रहे इसके लिए हमें अपनी जड़ों को सींचना पड़ेगा, कार्य को विस्तार देना पड़ेगा और मजबूत करना पड़ेगा, तभी हम बुलंदियों पर ठहर सकते हैं। मैं अक्सर एक शायरी कहता हूं ना कि नजर नजर में निखरना कमाल होता है और कदम कदम पे संभलना कमाल होता है। बुलंदियों पे पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। अगर हमको ठहरना है बुलंदियों पर तो स्वाभाविक रूप से अपनी जड़ों को मजबूत करना होगा। जड़ें मजबूत होंगी तो पत्ते अपने आप हरे भरे रहते हैं, जड़ों को सींचना हमें पड़ता है। और इसलिए इस कार्य को इस स्वर्णिम युग में हम कितना ज्यादा फैला सकते हैं ये सोचना चाहिए। दूसरी जिम्मेदारी हमारे ऊपर ये भी महत्वपूर्ण है कि हम दतिया जिले के कार्यकर्ता हैं और हमारे पड़ोस के जिले में विधानसभा का चुनाव है। हमारी सबकी रिश्तेदारी, हमारा सबका परिचय, मैं समझता हूं यहां मेरे सामने जितने चेहरे बैठे हैं ऐसा कोई महीना नहीं होगा जब वो झांसी बबीना ललितपुर न जाते। हमें फोन के माध्यम से, चिट्ठी के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से ये बात कहना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित हो, अपने रिश्तेदारों को, मिलने वालों को, व्यापारिक स्वजनों को ये लगातार हमको इसे चालना देना है, क्योंकि अगले महीने 19 तारीख को 23 तारीख को वहां पर मतदान है। आप सब कार्यकर्ताओं को वहां पर जाना भी पड़ सकता है, इस बात की भी चिंता हमें करनी चाहिए कि कैसे हमारी भारतीय जनता पार्टी जीते। उत्तर प्रदेश इस देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए हम सब कार्यकर्ताओं को प्राणपण से जुटने का एक संकल्प मन में आना चाहिए।